मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसे मैं खुद पसंद करूँ और हमारे फैमिली स्टेटस को मैच भी करती है रणवीर मैं क्या फील करता हूँ वो कुछ नहीं निहारिका ऐसी फैमिली को बिलोंग करती है कि जहाँ उसके आगे पीछे नौकर चाकर घूमते रहते हैं तो उसे खाना बनाने की क्या जरूरत है और मुझे लगता है निहारिका की शादी की खुशी के लिए तुम्हें एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो करना ही चाहिए चाची चले हाँ हाँ चलते हैं चमन जी से कह के बाहर इंतजाम भी तो करना है अरे एक काम करो ना संजना अंतरा तुम दोनों भी साथ चलो अपने हिसाब से इंतजाम करवा लेना आई थिंक मैंने रणवीर को अपसेट कर दिया अब जाओ उसे मना लो कैसे खाना बनाकर बट मॉम हारिका मेरा बेटा मॉडर्न जरूर है लेकिन उसमें उसके पापा के देसी गुण भी है इसलिए शायद तुम्हारी ना सुनकर वो अपसेट हो गया बट मॉम मुझे तो कुकिंग आती नहीं कोई बात नहीं इट्स ओके मैं हूं ना वाओ मॉम आपको कुकिंग भी आती है बिल्कुल नहीं तो फिर आप मेरी हेल्प कैसे करोगे कुकिंग का आर्ट ना सही लेकिन सिंदूरा मित्तल के पास ऐसी चीज है जो पूरे परिवार में किसी के पास नहीं वो क्या मेरा इंटेलिजेंस हाँ वहां रख दीजिए चूल्हा आइए आइए भाभी साहब आपको ये महान चूल्हे वाला आइडिया देने की क्या जरूरत थी इतने आलीशान घर का मॉड्यूलर किचन छोड़ के हम यहाँ धूप में चूल्हा फूकेंगे खाना तो कम पकेगा मैं ज्यादा पक जाऊंगी और अगर मैं टैन हो गई तो आज तो मैं सनस्क्रीन भी नहीं लाई हे भगवान ये बस कीजिए सुन लेगा कोई और वैसे भी समझो तेरे लिए कॉम्पिटिशन जरूरी है कि तेरा मेकअप अरे मैं कॉम्पिटिशन जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही कर चलो तो समझ में नहीं आ रहा है कि देसी चूल्हे में खाना कैसे बनेगा अरे मासा को आज खाना नसीब होगा भी कि नहीं अरे चाची जान आप टेंशन क्यों ले रही खाना मिलेगा और वो भी माइंड ब्लोइंग खाना आपको पता है देसी स्टाइल से जो खाना बनता है वो इतना टेस्टी होता है कि मैं क्या बताऊं आपको हाँ अगर मेरी अंतरा चाची सुना आपने मेरी अंतरा नहीं मतलब सब माँ अगर सब बनाएंगे तो अच्छा ही बनेगा बिल्कुल बिल्कुल बहुत अरे निहारिका बेटा तुम यहाँ हमारा मतलब कुकिंग कंपटीशन में तो हिस्सा नहीं ले रही हो ना तुम नो आंटी एक्चुअली मैंने अपना माइंड चेंज कर दिया अब मैं भी कंपटीशन में खाना बनाऊंगी पर गैस स्टोव पे अच्छा लेकिन अपना मन कैसे बदल लिया तुमने दादी साहब की खुशी के लिए आई होप आंटी खाना बनाते बनाते मैं म्यूजिक तो सुन सकती हूँ ना एक्चुअली यू नो व्हाट मैं बिना म्यूजिक के ना कोई काम नहीं कर सकती सुन लेना म्यूजिक लेकिन एक चीज का ध्यान रखना तुम्हारे पास सिर्फ एक घंटा है यस आंटी चलो तुम दोनों काम करो देखते कैसे क्या करना पर करे क्या ये महान आइडिया चूल्हे वाला तो आपने दिया था तो आओ और आप ही करो हम हेल्प कर देंगे संजू जब तक ये लोग आसपास है मैं तुम दोनों को कुछ नहीं समझा सकती एक काम करो तब तक तुम लोग सब्जी साफ करो हाँ अच्छा तो फिर हम चमन जी को बोलकर इंतजाम करवाते हैं चलते हैं चल हमारे साथ ये लोग जा रहे हैं अब मैं इन दोनों को अच्छे से समझा सकती हूँ रणवीर तो यही देख रहा है अब मैं क्या करूं तो कुकिंग करनी नहीं थी तो ये क्यों आ गई संजू तू अपने काम पर ध्यान देना तुझे दूसरों से क्या करना है मॉम अब सब सेफ है अब मुझे बताओ ये गैस कैसे ऑन करना है निहारी को तुम्हें गैस ऑन करना नहीं आता नो मॉम अच्छा सुनो वहां एक नॉब है नॉब को राइट की तरफ
रोटेट करो, गैस अपने आप ऑन हो जाएगी। ओके मॉम। वाओ मॉम, ये तो सच में चल गई। मामा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? हम आज क्या कुक करेंगे? जी रणवीर तो जा ही नहीं रहा है यहाँ से, अब कैसे हाथ बटाऊं मैं इन दोनों का? संजू, तू बेसन घोल और लाडू तू दही की छाछ बना। बहुत भारी है। अरे बाप रे, संभाल के संजू। तड़के के लिए लाड सूखी मिर्च चाहिए होगी, पक्का चमन जी भूल गए। रणवीर को भेज दूं लाल मिर्च लाने के लिए, जब तक वो जाएगा तब तक मैं इन दोनों को समझा दूंगी। मैंने जो कहा है वो करती रहो, मैं अभी आई। रणवीर, हमें लाल मिर्चों की जरूरत है और वहां है नहीं, तो क्या आप अंदर से ले आएंगे? सो स्वीट, आप चाहती है कि मैं अंदर जाऊं और जाके लाल मिर्ची लेके आऊं ताकि आप यहाँ पर तड़का लगवा सके। मैम, नो चीटिंग अलाउड, इसलिए आप जाइए और मैं नजर रखता हूं। प्लीज। अरे मिर्चें मिल गई आपको? दिखाई नहीं दे रही आपको? नहीं नहीं, काफी तीखी है। आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ मैं। अभी गिर जाती। किससे बात कर रही हो? कौन गिर जाती? मॉम, सुमन गिर जाती। वो तो अच्छा हुआ कि रणवीर ने आके उसे लास्ट मोमेंट में पकड़ लिया, अदरवाइज एक ना एक बोन तो उसकी टूटी जाती। रणवीर इज सो स्मार्ट। नो, रणवीर स्मार्ट है और मेरी होने वाली बहू जम निहारिका रणवीर के किसी और लड़की को सहारा देने पर तुम खुश कैसे हो सकती हो बेटा? तो क्या मॉम, सुमन को गिरना चाहिए था? इग्नोर। मटर पनीर, मासा को मटर पनीर पसंद है। मॉम, मटर पनीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, पर मैंने कभी बनाने की सोची नहीं। तो आज सोच लो और चुपचाप बना लो। ओके ओके। भाभी आपको कहीं लगी तो नहीं ना? नहीं, ठीक हूँ। शुक्र रणवीर जी ने आपको संभाल लिया। ये रणवीर जी इधर क्यों आ रहे हैं? हे भगवान, कहीं शक तो नहीं हो गया? मुझे लगता है कि आपको छुपा रही। क्या? अपने पैर का दर्द? अगर मैंने दर्द का बहाना किया शायद रणवीर दवा लेने अंदर जाएगा और मुझे संजना और अंतरा की मदद करने का मौका मिल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दर्द तो हो रहा है। मैं कुछ लेके आता हूँ। सॉरी शिव जी, मैंने आज तक यही सुना है कि किसी के भले के लिए बोला गया एक झूठ 100 सच के बराबर होता है। आज संजना और अंतरा की खुशी के लिए मैंने भी एक झूठ बोला है, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर देना। भाभी साहब, आओ ना, मेरी मदद करो, रणवीर जी भी नहीं है। जैसा मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनो और बनाओ। हाँ, वेरी गुड, जल्दी से आ जाइए और खाना बना लीजिए। चुपचाप बैठो। वैसे तो मुझे तुम दोनों को कुछ भी पता ना गलत है, पर सिर्फ तुम दोनों के भविष्य के लिए
और मासा की खुशी के लिए मुझसे जो बन पड़ रहा है मैं कर रही हूँ, और तुम हो कि संजू ध्यान से सुन, जो मैं कह रही हूँ वैसा ही करना है, हमारे पास टाइम भी कम है, चला बैठ। कढ़ाई भी भून रहे और आंखें पीली चल रही है। ओहो निहारिका, एक घंटे के लिए अपनी आईज को भूलकर रेसिपी पर कंसंट्रेट करो। अनियंस पिंक हो गए? नो मॉम, काले हो गए। व्हाट? उसे काले नहीं, जल गए कहते। ओह नो, मैं क्या करूं? पहले तो पैनिक होना बंद करो, गैस स्लो करो, अनियन में टमेटोज डाल के सॉटे करो। ओके। संजू तरी पक गई है, उसमें गट्टों को तरी में डाल दे। भाभी साहब, वो नूपुर आंटी आ रही है। अच्छा, जैसे समझाया वैसे करो, मैं साइड में खड़ी हूँ। मैं तो भूल गई, नमक डाला था नहीं ये भगवान के। अरे जी जी, आपने डाला था नमक। जे सुमन इतना क्यों मुस्कुरा रही है, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है छोरियां? मैंने प्यूरी भी डाल दी और अब ग्रेवी भी रेडी है। ग्रेवी रेडी है तो अब उसमें मटर डालो। मटर तो नहीं है। What? Really, मॉम, मटर नहीं है। निहारिका, तुम्हें पहले ही चेक कर लेना चाहिए था ना कि सारी चीजें हैं या नहीं है। But मॉम, रेसिपी बुक तो आपके पास है। अब मटर पनीर कैसे बनेगी? सॉरी मॉम। चलो इट्स ओके, नहीं है मटर तो ना सही, बिना मटर के बनाओ। चलो मटर के बिना मटर पनीर। हाँ, मटर के बिना मटर पनीर बन सकता है तो मुझे पता ही नहीं था। थैंक यू मॉम। मॉम, नूपुर आंटी आ रही है। उन्हें दिखाई थोड़ी दे रहा है तुम किससे फोन पे बात कर रही हो, तुम चुपचाप अपनी करछी चलाओ। अरे वाह निहारिका, गाना सुनते सुनते खाना बना रही हो। जी आंटी। कौन सा गाना सुन रही हो? आंटी क्लोजर। अच्छा अच्छा, रुको रुको, नजदीक आए ना, आ गए नजदीक। अब बताओ कौन सा गाना सुन रही हो? आंटी वो इंग्लिश नंबर है, आपको समझ नहीं आएगा। हाँ, इंग्लिश कहाँ समझ में आएगी। बेटा ये क्या बना रही हो तुम? आंटी मैं मटर पनीर बना रही हूँ। बेटा ना मटर दिख रहा है ना पनीर दिख रहा है। आंटी ये अभी अनियन है। अनियन? बेटा ये तो अनियन हुआ करते थे, अभी तो कुछ और ही दिख रहा है। आंटी तो कुछ और बनाओ क्या? नहीं नहीं, तुम बनाओ अपने हिसाब से, क्या है कुकिंग कंपटीशन है ना, मदद नहीं कर सकते तुम्हारी। बनाओ बनाओ मटर पनीर। मासा निहारिका के खाने से इम्प्रेस होंगी या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उनका पेट जरूर डिप्रेस हो जाएगा। हाँ, अब इसमें वो मसाले डाल। भाभी साहब बस, अब मुझसे और नहीं होगा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, अरे एक तो ये धुआं, ऊपर से ये धूप, करछी चला चला के मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हैंड्स ना मेरी बॉडी से अलग हो जाएगा। बस मुझसे और नहीं होगा भाभी साहब। अरे जी, लेकिन आपकी सब्जी जल जाएगी। भाभी साहब तेरी जल जाए तेरी लग जाए मुझे कुछ नहीं, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। अगर मुझे तेरी मदद करते हुए किसी ने देख लिया ना तो क्या सोचेंगे? लेकिन वो सच्ची जल रही है जीजी। चल कोई नहीं, इंस्टेंट ब्रेक, 2 मिनट प्लीज। भाभी जल्दी कीजिए ना, वो जल जाएगी।
हमें तो पहले से ही पता था जे सुमन इन दोनों की मदद जरूर करेगी। अब तो हम इसे रंगे हाथों पकड़ेंगे। सुमन, अभी भी तुम यही कहोगी तुम इन छोरियों की मदद नहीं कर रही थी? आंटी जी, नहीं मम्मी जी, नहीं आंटी जी, वो क्या हुआ ना कि वो चूल्हे से ना उसके धुएं से मेरी आंख में कुछ चला गया। तो संजू जी जी सही कह रही है, उनकी आंख में ना कुछ चला गया था और सब्जी जल ना जाए इसलिए भाभी सब्जी चलाने लग गई थी। देखो हमें गलत फहमी हो गई। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ओहो बेचारी लड़की, आदत नहीं है ना इस सब की। अरे कुकिंग कंपटीशन ही तो है, जान थोड़े ना दे देगी बच्ची बेचारी। जाओ जाओ आग धोकर आओ, चलो जाओ। सुमन जाओ जाओ मदद करो। अंतरा जाओ बेटा जाओ, जा जी जा। हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन कई बार कुछ बिगाड़ कर कुछ चीजें ठीक की जा सकती हैं। संजना अच्छी छोरी होगी लेकिन हमारे साहिल के लायक नहीं है, और जय शादी रोकने के लिए आज हमें ये सब कुछ करना पड़ेगा। आ गए तुम लोग, अच्छे से पानी पिया, देखो आंख ठीक है ना। चलो चलो, अरे जल्दी करो जल्दी करो, समय कम है ना। चलो संजू लाडू 5 मिनट है अपने पास, देख लो सब ठीक है ना। मेरा तो ठीक है भाभी। ओ मिर्ची, संजू आई मर गई। मैंने तो तुम दोनों को कहा था ना कि मिर्ची ठीक से डालना। भाभी मेरे में तो सही है मिर्ची। पर संजू की तरी में मिर्ची कैसे हो गई, इसे दोबारा तो नहीं डाली थी ना? नहीं भाभी, सच में बहुत मिर्ची है। कैसे हो गई, क्या करे? अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास टाइम भी नहीं है, हम खाना भी नहीं बना सकते। आदि से खाना रिजेक्ट कर देगी और मेरा रिश्ता भी। जी जी चुप चुप बोलिए जी जी, कुछ नहीं होगा। और अगर आप ऐसे रोएंगे ना तो आपका मेकअप खराब हो जाएगा। अरे यहाँ पे मेरी लाइफ खराब हुई है, तुझे मेरे मेकअप की बड़ी है पागल। वरना ना कोई देख लेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि हमारे खाने में कुछ गड़बड़ है। जी जी देखिए आप भी तो सोचिए ना कि कल तक हमें खाना बनाना नहीं आता था, आज हमने खाना तो बनाया ना। भाभी पे थोड़ा तो भरोसा रखिए, वो संभाल लेंगी। जी बस कीजिए, अब रोना बंद कीजिए, हो गया बहुत हो गया। मेरी लाइफ खराब हो रही है, तू मुझे रोने भी नहीं दे रही। संजू रोने से क्या होगा, अरे जिंदगी में अगर इतनी छोटी छोटी बातों से तू रोने लगेगी तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी? और जरा सोच, तुझे तो लाड़ो का भी सहारा बनना है ना। हाँ तू रोना बंद कर, चल तो आप ही बताओ मैं क्या करूँ अब। हाँ पहले तू खड़े हो जा, उठ। तू एक काम कर, मुझे नींबू का रस निकाल के दे, लाड़ो तू आलू छिलके दे। इसकी मिर्ची कम हो जाएगी। हाँ संजू जा। और वो गट्टे का आटा है ना? हाँ हाँ पड़ा है। हाँ मैं उसकी लोई बनाती हूँ। रस देना, ये लो।
घी कहाँ है? ये रहा। डन मॉम, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। निहारिका चेक तो कर लो ग्रेवी बराबर से कुक हुई है कि नहीं, और बुक के हिसाब से ग्रेवी का कलर रेडिश होना चाहिए। ये तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक लग रहा है। व्हाट? नो 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 मॉम, जेट ब्लैक नहीं, थोड़ा थोड़ा डार्क ब्राउन जैसा। जस्ट टेस्ट कर लो कि बराबर बनी है कि नहीं। इसका मतलब निहारिका मॉम की हेल्प ले रही थी, बट ये तो चीटिंग हुई। फिर कंपटीशन का या फिर दादी सा की इच्छा का क्या मतलब? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर चाहे इसका असर निहारिका और मेरे रिश्ते पर पड़े या हमारी शादी पर, मैं सबको निहारिका का सच बताकर ही रहूंगा।